हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फेस फ्रेम। IIT जैम फिजिक्स की सीरीज में आज हम क्वांटम फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वांटम फिजिक्स में हमने पहले भी देखा था कि हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में डील करते हैं जिनका साइज बहुत स्मॉल है, दैट मीन्स माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उनके मोशन को जब हमें गवर्न करना होता है तो हम यूज़ करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में ये डिफरेंस होता है। क्लासिकल फिजिक्स में मैक्रोस्कोपिक डोमेन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम डील करते हैं, ठीक है। इसमें माइक्रोस्कोपिक डोमेन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे एटॉमिक स्केल पर हम देखें इलेक्ट्रॉन है, एटम है, ठीक है, इसी तरीके से कोई मॉलिक्यूल है, एटसेट्रा। अब इसी में ही हार्मोनिक ऑस्किलेटर का मतलब यहां पर ये हो गया, एक तो होता है क्लासिकल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं टू मासेस के बीच में आप एक स्प्रिंग जो है अटैच कर देते हैं। अब इस पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करता है, ऑस्किलेट करता है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ ये क्या करता है, ऑस्किलेट करता है। सो जब ये ऑस्किलेट करेगा तो आप क्या निकालते हैं, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, विच कम्स आउट टू बी 2π√ m/k, ठीक है, और यू से दैट ओमेगा इज इक्वल टू √k/m, ये आप कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर आप डायटोमिक मॉलिक्यूल का केस ले सकते हैं, यहाँ पर डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है, एटसेट्रा। जब हाई टेम्परेचर की बात करता हूँ तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजिशन के ऊपर, अबाउट देयर मीन पोजिशन इसे, ठीक है। सो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी वहाँ पर आ जाते हैं, जैसे स्पेसिफिक हीट अगर आपने निकालना है किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल का एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कंसिडर करने होते हैं वहाँ पर। सो वाइब्रेशनल इफेक्ट जब आते हैं और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं तो उनका जो मोशन होता है वो इस तरीके से होता है कि उनके ऊपर रेस्टोरिंग फोर्स लगता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स है हुज डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसलिए नेगेटिव साइन, दैट मीन्स इट ऑब्वे हुक्स लॉ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। सो आई से दैट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका जो मोशन है वो कैसा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। उस केस में फोर्स की ये वैल्यू होती है, दैट मीन्स पोटेंशियल क्या आ जाएगा, यहाँ से FdX फॉर्मूला होता है माइनस साइन के साथ, तो इसका आ जाएगा फॉर्मूला माइनस एंड माइनस KxdX, ठीक है। यहाँ पर K जो है वो क्या है, फोर्स कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसको, यहाँ पर मैंने K लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ जाएगा हाफ KX2। सो दिस इज द पोटेंशियल टर्म विच डिपेंड्स ऑन द X कोऑर्डिनेट ओनली, ठीक है। सो इस पर ये डिपेंड करेगा, टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। डायटोमिक मॉलिक्यूल के अलावा आप और भी केस ले सकते हैं, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी इसका एग्जांपल हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल, क्रिस्टल के लेटेस्ट वाइब्रेशंस जो होते हैं वो भी इसका एग्जांपल हो सकते हैं, ये सब। तो इनके मोशन को जब हमें देखना होता है तो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट हम करते हैं यूजिंग स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, टाइम पर डिपेंड नहीं करने लग रहा पोटेंशियल, ठीक है। सो हम सबसे पहले लिखते हैं व्हाट इज दिस स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन ये क्या थी, -H²/2m, फिर ∇2/∇x², आप इसको d²/dx² भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर जो वेव फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, सिर्फ x का फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन जो है अलोंग वन डायमेंशन, ये जो मॉलिक्यूल है ये वाइब्रेट करने लग रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, सो एक्स का ही फंक्शन होगा ये साई, ठीक है, इसलिए मैंने ∇2/∇x² को मैंने d²/dx² से सिंपली रिप्लेस कर दिया, ठीक है, एंड प्लस में v(x-e) दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए v(x) की वैल्यू आप पुट करते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो इस इक्वेशन में अगर v(x) की वैल्यू अगर हम पुट करें, देन आई एम गेटिंग -H²/2m d²/dx² प्लस में हाफ kx² एंड माइनस में e एंड साई दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू √k/m, दैट मीन्स k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो k की वैल्यू हम यहाँ पर m ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो आई एम गेटिंग -H²/2m d²/dx² प्लस में हाफ m ओमेगा स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस में ई साई दिस इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, सो इसका हम जो कोफिशियंट है डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर का, इसका हम वन बनाते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस में यह आ जाएगा यहां से टू एम ई बाई एच कट स्क्वायर. ठीक है, टू एम ई बाई एच कट स्क्वायर माइनस माइनस गोट प्लस. ठीक है, माइनस में यह आ जाएगा यहां से एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर साई दिस इज इक्वल टू जीरो. सो ये हमारे पास में सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी अपने पास, इसको हमें सोल्व करना है. और ये इक्वेशन आप जो सोल्व करेंगे तो देखिए एक चीज और यहां पर हम इसको कुछ मान लेते हैं, इसको और इसको, इसे हम सपोज करते हैं अल्फा स्क्वायर और इसे हम सपोज कर लेते हैं से बीटा. ठीक है, सो इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है अपने पास में डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर साई दिस इज इक्वल टू जीरो. अच्छा, एक्स स्क्वायर भी मल्टीप्लाइड में, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं होता तो फिर आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते थे. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है इसका सोल्यूशन, पर अभी क्या है मल्टीप्लाई में क्या है एक्स स्क्वायर है. तो इसका जो सोल्यूशन है, ठीक है, वो इतना ईजी नहीं है. दो तरीके से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं. सबसे पहला जो मेथड आता है इट इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड. पर ये मेथड भी आसान नहीं है. दूसरा जो मेथड है जो हम अधिकतर क्वेश्चंस के अंदर अडॉप्ट करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड है ये, इट इज़ कॉल्ड पावर सीरीज मेथड. सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम पावर सीरीज मेथड का ही यूज़ करेंगे. चलिए पावर सीरीज मेथड सॉल्व करते हैं. सबसे पहले देखिए बीटा और अल्फा, यहाँ पर अगर देखें तो इनके डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, सो अगर डायमेंशन एग्जिस्ट करेंगे इनके तो मुझे क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है अल्फा, जिसके डायमेंशन अभी इस टाइम एग्जिस्ट करने लग रहे हैं, मुझे इसको यहाँ पर एलिमिनेट करके एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी यहाँ इंट्रोड्यूस करना होगा. उसके बाद में ही आप पावर सीरीज मेथड लगाएंगे. ठीक है, सो चलिए पावर सीरीज मेथड जो है इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम अल्फा स्क्वायर जो है इसको एलिमिनेट करते हैं जिसका डायमेंशन एग्जिस्ट कर रहे हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग ए डायमेंशन लेस वेरिएबल. सो इंट्रोड्यूस ए डायमेंशन लेस वेरिएबल. पर ये वेरिएबल क्या होगा, क्यों वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या होगी. देखिए सबसे पहले अल्फा स्क्वायर का डायमेंशन देख लेते हैं. ठीक है, अल्फा स्क्वायर की क्या वैल्यू थी, एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर. दैट मीन्स अल्फा की क्या वैल्यू है, अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर, और यू से दैट एम ओमेगा बाय एच कट. ठीक है, यहाँ पर मास है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एम होगा. फिर क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा. एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2π न्यू, और न्यू क्या का डायमेंशन होता है फ्रीक्वेंसी का, t-1 डिवाइडेड बाय एच कट विच इज एच बाय 2π. ठीक है, सो 1/2π तो कांस्टेंट है, एच का मुझे डायमेंशन देखना है प्लैंक्स कांस्टेंट का. कैसे निकालेंगे, ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, तो एच का डायमेंशन क्या होगा, ई बाय न्यू होगा. ठीक है, सो ई का क्या होता है, m1 l2 t-2. ठीक है, और मल्टीप्लाइड में क्या है, 1 by new है. ठीक है, 1 by new मीन्स 1 by time period, और यू से दैट टी. ठीक है, सो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा टी. ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में. तो डायमेंशन क्या हो गए इसके, डायमेंशन हो गए एम से ये एम कैंसिल हो जाएगा, और एल की पावर माइनस टू, यहाँ पर भी टी माइनस टू, ये कैंसिल हो जाएगा. सो आई एम गेटिंग एल माइनस टू. ठीक है, ये आ जाएगा. तो अल्फा का कितना हो जाएगा, अल्फा का हो जाएगा डायमेंशन एल माइनस टू. दैट मीन्स आप जो क्यू लेने लग रहे हैं वो होगा अंडर रूट अल्फा लीजिए, अंडर रूट अल्फा. ठीक है, अंडर रूट अल्फा लेंगे तो डायमेंशन क्या आएगा, एल माइनस वन आ जाएगा. ठीक है, अगर अंडर रूट अल्फा लेने लग रहे हैं तो कितना आ जाएगा, एल माइनस वन. तो डायमेंशन लेस अगर मुझे इसे बनाना है तो इससे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा. इसका एल माइनस वन, इसका एल कितना आ जाएगा, एल जीरो. ठीक है, और एम जीरो टी जीरो तो पहले ही था, तो डायमेंशन लेस वेरिएबल अपने पास आ गया है. ये मुझे यहां पर इस इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करना है टू यूज द पावर सीरीज मेथड. ठीक है, तो यहां से क्यू से हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी. सो यहां से सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है डी साई बाई डी एक्स, फिर अगेन दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, देन यू आर गेटिंग डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं डी साई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू होगी. इट्स वैल्यू इज डी साई बाई डी क्यू बाय डी एक्स. इसको आप ऐसे ले सकते हैं. ठीक है, देन डी साई बाई डी क्यू और डी क्यू बाई डी एक्स. क्यू का टोटल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट अल्फा हो जाएगा. ठीक है, ये आ जाएगा. अगेन एक बार फिर दोबारा से
डिफ्रेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स डी साई बाय डी एक्स, ठीक है, इसकी जगह आप एक काम करिए क्यू लिखिए और डी क्यू बाय डी एक्स कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये क्या आ जाएगा डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ से आप लिखेंगे डी बाय डी क्यू डी साई बाय डी एक्स की वैल्यू आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे कितना आया था अंडर रूट अल्फा डी साई बाय डी क्यू, और फिर उसके बाद है डी क्यू बाय डी एक्स इट्स वैल्यू इज अंडर रूट अल्फा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये अल्फा और डी बाय डी क्यू इंटू डी साई बाय डी क्यू विच इज डी स्क्वायर साई बाय डी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये वैल्यूज जो है यहाँ पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा अल्फा डी स्क्वायर साई बाय डी क्यू स्क्वायर एंड प्लस में बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई दिस इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। अच्छा, अल्फा को आप नीचे भेजेंगे तो आपके पास आ जाएगा बीटा बाय अल्फा और अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा, तो कितना आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। सो चलिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं विच इज डी स्क्वायर साई बाय डी क्यू स्क्वायर प्लस में बीटा बाय अल्फा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद साई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो यहाँ पर जो साई है अब वो एक्स का फंक्शन है पर अभी इस टाइम पर ये क्यू का फंक्शन हो गया है, ठीक है, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या थी अंडर रूट अल्फा एक्स, ठीक है, अंडर रूट अल्फा एक्स थी, और यहाँ से अगर हम स्क्वायर करें देन आई एम गेटिंग क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से देन आई एम गेटिंग डी स्क्वायर साई बाय डी क्यू स्क्वायर प्लस में बीटा बाय अल्फा, इसको कुछ मान लेते हैं ई मान लेते हैं माइनस में दिस इज क्यू स्क्वायर साई ऑफ क्यू दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वेर आई एम सपोजिंग दैट बीटा बाय अल्फा इज सम ई, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया। अब यहाँ से आप एक ट्रायल सॉल्यूशन सपोज कर सकते हैं, कब, अगर ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है ई से देन आई कैन नेग्लेक्ट दिस ई इन कंपैरिजन टू दिस क्यू स्क्वायर। ठीक है, सो हम यहाँ सपोज करके चलते हैं लेट क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर ग्रेटर देन ई, क्योंकि क्यू जो है किसका फंक्शन है एक्स का फंक्शन है। ठीक है, सो एक्स बहुत ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है दैट मीन्स जो वाइब्रेशन होने लग रहे हैं एटम्स और मोलिक्यूल्स के वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, दैट मीन्स हाई टेम्परेचर की बात आप कर सकते हैं। ठीक है, सो आई एम गेटिंग द इक्वेशन इज डी स्क्वायर साई बाय डी क्यू स्क्वायर एंड माइनस में क्यू स्क्वायर साई ऑफ क्यू दिस इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अगर हम तो ट्रायल सॉल्यूशन आप यहां मान सकते हैं, और जो ट्रायल सॉल्यूशन आपने मानना है देखिए क्यू स्क्वायर इंटू फंक्शन आने लग रहा है क्यू का, तो इसी टाइप का आपने मानना है क्यू स्क्वायर टर्म की वजह से यहां पर जो सॉल्यूशन होगा वो होगा गॉसियन सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा होगा गॉसियन सॉल्यूशन, गॉसियन सॉल्यूशन, गॉसियन सॉल्यूशन किस टाइप का होता है गॉसियन सॉल्यूशन होता है ई टू द पावर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू, इस फॉर्म का होता है। ठीक है, ई टू द पावर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू और इसके साथ में फंक्शन होगा सम क्यू का, इस तरीके से आप लेट करके चल सकते हैं, दिस इज ए ट्रायल सॉल्यूशन। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है ट्रायल सॉल्यूशन है। अब क्या यहां पर पॉजिटिव जो है e टू द पावर प्लस क्यू स्क्वायर बाय टू इंटू एफ ऑफ क्यू, क्या ये सॉल्यूशन पॉसिबल है परमिशेबल है क्वांटम फिजिक्स में, ये देखने के लिए हम ये चेक करते हैं कि अगर यहां पर q की वैल्यू अगर इन्फिनिटी टेंड करेगी देन e टू द पावर इन्फिनिटी दैट मीन्स इन्फिनिटी सो साई आल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी। बट मैंने कहा था कि कहीं पर भी आप देख लीजिए वेव फंक्शन जो है वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा, इट इज़ फाइनाइट एवरीवेयर, ये कंडीशन थी फॉर ए फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। दैट मीन्स यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन मैंने सपोज करके लिया था ट्रायल सॉल्यूशन के तौर पर ये जो है यहाँ से आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ई टू द पावर प्लस क्यू स्क्वायर बाय टू इंटू एफ ऑफ क्यू इज फिजिकली नॉट एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। ठीक है, ई टू द पावर क्यू स्क्वायर बाय टू एफ ऑफ क्यू इज नॉट फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन एज व्हेन क्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी साई टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो हमने देखा कि e टू द पावर प्लस क्यू स्क्वायर बाय टू इंटू एफ ऑफ क्यू ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, दैट मीन्स फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है वो, क्योंकि q टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा देन साई टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। पर e टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू इंटू एफ ऑफ क्यू दिस इज ए फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। ठीक है, इसे ही हम ट्रायल सॉल्यूशन मानेंगे ना कि प्लस वाले को, क्योंकि अगर q टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो अब कितना आ जाएगा साई e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, q इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन आई एम गेटिंग साई ऑफ q टेंड्स टू e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी विच इज जीरो।
ठीक है, एंड साई इज इक्वल टू जीरो इज परमिशियबल और फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन. सो हम यहां पर लेंगे ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू एफ ऑफ क्यू एज ए ट्रायल सॉल्यूशन. अब नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है इस एफ ऑफ क्यू की क्या वैल्यू होगी. तो एफ ऑफ क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, या ये वाली जो इक्वेशन है इसका तो नेट सॉल्यूशन हम सपोज करके चलते हैं गॉसियन सॉल्यूशन. मैंने बताया इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, गॉसियन सॉल्यूशन हम सपोज करके चलते हैं. सो ये अपने पास इक्वेशन आई थी, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे इसको. ठीक है, क्या पुट करेंगे, डी स्क्वायर साई बाई डी क्यू स्क्वायर यहां से, और साई ऑफ क्यू ये वैल्यू यहां पर अगर हम पुट करें देन आई एम गेटिंग समथिंग एफ ऑफ क्यू की टर्म में मुझे मिल जाएगा. ये वो इक्वेशन जो होती है इट इज कॉल्ड हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन आती है अपने पास. ठीक है, ये मुझे याद था पर आपको एक बार कैलकुलेट करके देखिए यहां पर. ठीक है, सो चलिए कैलकुलेट करते हैं यहां से डी स्क्वायर साई बाय डी क्यू स्क्वायर. ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं यहां से. सो हमने ये ट्रायल सॉल्यूशन माना था, अब यहां से मुझे फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर साई बाय डी क्यू स्क्वायर. सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं डी साई बाय डी क्यू. ठीक है, और ये मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे पता चले कि एफ ऑफ क्यू यहां पर क्या है, तभी तो मुझे नेट सॉल्यूशन पता चलेगा. ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू इट इज ए गॉसियन फंक्शन, बट एफ ऑफ क्यू क्या है यहां पर ये हमें नहीं पता है. सो मुझे ये फाइंड आउट करना है. सो डी साई बाय डी क्यू कितना हो जाएगा, देखिए ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू एंड डी एफ बाय डी क्यू हो जाएगा, प्लस में फिर एफ ऑफ क्यू और इसका हो जाएगा ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू, और माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू कितना हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा. ठीक है, अगेन फिर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं डी स्क्वायर साई बाय डी क्यू स्क्वायर, इसकी क्या वैल्यू होगी, देखिए यहाँ से देखें तो ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू और डी स्क्वायर एफ बाय डी क्यू स्क्वायर प्लस में डी एफ बाय डी क्यू एंड यहाँ से आ जाएगा ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू एंड माइनस क्यू. ठीक है, अच्छा यहाँ से आप जो है माइनस बाहर ले लीजिए. ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हैं, एक काम कर सकते हैं आप यहाँ पे प्लस ले लीजिए एफ ऑफ क्यू और ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू और माइनस क्यू का कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद प्लस में आप ये जो दो टर्म्स हैं, ये वाली दो टर्म्स इसको आप फिक्स रखिए एफ ऑफ क्यू माइनस क्यू और इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू एंड माइनस क्यू. ठीक है, फिर उसके बाद प्लस में एट द लास्ट आप इन दोनों टर्म्स को कॉन्स्टेंट रखिए कितना आ जाएगा ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू एंड माइनस क्यू और एफ ऑफ क्यू क्या क्या हो जाएगा डी एफ बाई डी क्यू हो जाएगा. ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास. अब वो टर्म्स देखिए जो कैंसिल हो रही हैं या फिर ऐड होने लग रही हैं. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास e टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू, ये तो एक ही टर्म है e टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू एंड डी स्क्वायर एफ बाई डी क्यू स्क्वायर. ठीक है, एंड देन माइनस क्यू इंटू डी एफ बाई डी क्यू, ऐसा कोई टर्म है क्या, हाँ ये वाली टर्म है माइनस क्यू डी एफ बाई डी क्यू और e टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों ऐड हो जाएंगे. सो इट कम्स आउट टू बी माइनस टू क्यू और e टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू एंड डी एफ बाई डी क्यू. ठीक है, और इसके बाद में देखिए ये वाली टर्म हो गई, ये कंप्लीट है. ठीक है, ये टर्म्स आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए. ठीक है, एंड देन यहाँ से आ जाएगा माइनस देखिए कितना आ जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, सो प्लस क्यू स्क्वायर एंड एफ ऑफ क्यू ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू. ठीक है, एंड ये वाली टर्म होने के बाद में अब नेक्स्ट लास्ट टर्म बच गई ये वाली. ठीक है, सो ये आ जाएगा माइनस में एफ ऑफ क्यू ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू. सो ये टोटल अपने पास में टर्म आएंगी. ठीक है, कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होने लग रही है, ये दो टर्म्स बस जुड़ने लग रही हैं, ऐड होने लग रही हैं. ठीक है, ये दोनों टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया तो माइनस टू क्यू आ जाएगा, बाकी सब टर्म्स मैंने वैसे के वैसे लिख दिया. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये वैल्यू मुझे पुट कर देनी. सो यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर साई बाय डी क्यू स्क्वायर. ठीक है, तो ये टर्म्स आएंगे सारी की सारी ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू डी स्क्वायर एफ बाय डी क्यू स्क्वायर माइनस में टू क्यू ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू डी एफ बाई डी क्यू एंड प्लस में ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर एफ ऑफ क्यू ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू एंड देन माइनस में एफ ऑफ क्यू ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू. ठीक है, प्लस में ई माइनस क्यू स्क्वायर और साई ऑफ क्यू की क्या वैल्यू थी e टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू एफ ऑफ क्यू. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. इस टर्म को अगर आप देखें तो कितना आ जाएगा e टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू एफ ऑफ क्यू एंड माइनस में क्यू स्क्वायर e टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू एफ ऑफ क्यू. ठीक है, मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है. सो आप देख रहे हैं कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ क्या हो रही है, कैंसिल होने लग रही है. ठीक है, सो ये टर्म इस वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा. सो क्या आ जाएगा यहाँ से,
देखिए एक चीज और, यहाँ इक्वल्स टू जीरो है, इक्वल्स टू जीरो है तो जो टर्म यहाँ कॉमन आने लग रही है वो उधर जाकर के जीरो हो जाएगा। सो सभी टर्म्स में अगर हम देखें तो e टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू, ठीक है, ये जो टर्म है ये सभी में क्या आने लग रही है, कॉमन आने लग रही है, ठीक है। सो इसको आप कॉमन लेकर के उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बाकी अदर टर्म्स में यहाँ लिखने लग रहा हूँ, डी स्क्वायर एफ बाय डी क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस में टू क्यू डी एफ बाय डी क्यू, एंड प्लस में यह आ जाएगा ई माइनस एफ एंड एफ ऑफ क्यू, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये दोनों टर्म्स यहां से आ जाएगा, ई माइनस वन एंड एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन जो होती है दिस इज कॉल्ड हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसको बोला जाता है हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। स्पेशल फंक्शंस में हम फोर ऐसी इक्वेशंस पढ़ते हैं, एक है हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, एक है लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, एक है बेसल फंक्शन, और एक होता है आपका लेग्रे फंक्शन, ठीक है। सो इसका जो सॉल्यूशन होता है ना, इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन वो क्या होता है, हर्माइट पॉलिनोमियल होता है। हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, हर्माइट पॉलिनोमियल है। दैट मींस एफ ऑफ क्यू जो है वो कुछ भी नहीं है बल्कि एच एन ऑफ क्यू। वट इज एच एन ऑफ क्यू, दिस इज ए हर्माइट पॉलिनोमियल। ये सीरीज है एक्चुअल में कंप्लीट, इस सीरीज की क्या वैल्यू है ये मैं नहीं जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा था यहाँ पावर सीरीज मेथड हमने अडॉप्ट किया है, ठीक है। अब पावर सीरीज मेथड यहाँ अडॉप्ट करोगे तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन सपोज करके चलेंगे, पर मैंने यहाँ पर ये मान लिया था कि एफ ऑफ क्यू जो है वो मुझे नहीं पता है, पर अब मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, जिसकी वैल्यू कितनी आने लग रही है, हर्माइट पॉलिनोमियल आने लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज दी एफ ऑफ क्यू। सो हमने देखा कि ये अपने पास में हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन आया जिसका जो सॉल्यूशन होता है एफ ऑफ क्यू, दिस इज इक्वल टू एच एन ऑफ क्यू विच इज कॉल्ड हर्माइट पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड हर्माइट पॉलिनोमियल, एंड सिंस दिस इज ए पॉलिनोमियल सो इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, एंड दैट नंबर ऑफ टर्म्स वी विल फाइंड आउट यूजिंग द पावर सीरीज मेथड। सो वी अज्यूम, ठीक है, देखिए एक चीज और, साई ऑफ क्यू आपके पास में आ गया है, साई ऑफ क्यू की वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली ये है ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू एंड एफ ऑफ क्यू विच इज एच एन ऑफ क्यू, तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन वी विल ऑब्टेन एंड दिस इज साइन ऑफ क्यू, ठीक है। और ये सी हम मान लेते हैं, दिस इज नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे जो फाइंड आउट करना है वो है एनर्जी आइगन वैल्यूज, एनर्जी आइगन वैल्यूज ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यूजिंग द पावर सीरीज मेथड, अज्यूम पावर सीरीज सॉल्यूशन। सो पावर सीरीज सॉल्यूशन अगर हम सपोज करके चलें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, देन वी से दैट एफ ऑफ क्यू दिस इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ए जीरो प्लस में ए वन क्यू प्लस में ए टू क्यू स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हम पावर सॉल्यूशन हम सपोज करके चलते हैं इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। हम अब हमने क्या करना है, अगर ये पावर सीरीज सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ से आपको मिलता है रिकर्सन रिलेशन, ठीक है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ से हम फाइंड आउट करिए डी एफ बाई डी क्यू, डी एफ बाई डी क्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आई एंड आई क्यू टू द पावर आई माइनस वन, ये आ जाएगा, ठीक है। एंड एंड डी स्क्वायर एफ बाय डी क्यू स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एंड ए आई आई ऑफ आई माइनस वन क्यू टू द पावर आई माइनस टू, ये आ जाएगा। अब ये दोनों जो आपके पास में आए हैं, बल्कि ये तीनों, ठीक है, ये तीनों टर्म्स जो हैं आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, पुट दिस इंडिकेशन नंबर टू, ठीक है। सो वी विल गेट द रिकर्सन रिलेशन। सो अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे देन आई एम गेटिंग समेशन आई इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आई और आई ऑफ आई माइनस वन एंड क्यू टू द पावर आई माइनस टू, ठीक है। एंड माइनस में यहाँ जाएगा टू, ठीक है, और ये क्यू है, ठीक है, और डी एफ बाई डी क्यू ये आप पुट कर रहे हैं तो क्यू इंटू क्यू टू द पावर आई माइनस वन कितना हो जाएगा, q मल्टीप्लाइड q टू द पावर i माइनस वन, ये वन है, दिस इज इक्वल टू q टू द पावर i हो जाएगा, ठीक है, q टू द पावर i हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे q से, ठीक है। सो आई एम गेटिंग i इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एंड ए आई
एंड आई क्यू टू द पावर आयरन एंड बस यही आएगा, ठीक है. एंड देन प्लस में ई माइनस वन एंड एफ विच इज आई इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एंड ए आई क्यू है, ठीक है. दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. अब ये टर्म्स कंबाइन कब हो सकती हैं सारे के सारे, यानी कि क्यू आई अगर आप कॉमन लेना चाहें इन दोनों टर्म्स में तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें समेशन जा रहा है आई इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी क्यू आई आने लग रहा है, तो क्यू आई आप जो है वो कॉमन ले सकते हैं. पर यहाँ पर आप देखें क्यू की पावर कितनी है, आई माइनस टू है. सो आप इसमें आई जो है इसको रिप्लेस कर दीजिए, किससे, आई रिप्लेस हो जाएगा आई प्लस टू से रिप्लेस हो जाएगा. अगर ऐसा होता है देन आई विल कंबाइन दीज ऑल टर्म्स, सो वी विल रिप्लेस आई टू आई प्लस टू इन फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जो है उसके अंदर, इस वाली टर्म के अंदर, ठीक है. तो क्या आ जाएगा अपने पास में, आई इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आई प्लस टू, ठीक है. आई को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, आई प्लस टू से, एंड आई प्लस टू एंड आई प्लस टू माइनस वन कितना हो जाएगा, आई प्लस वन एंड क्यू टू द पावर ये आ जाएगा आई, ठीक है. एंड माइनस में ये दोनों टर्म्स कंबाइन हो सकती हैं, पर अभी के लिए मैं अलग अलग ले लेता हूँ. ठीक है, ये आ जाएगा एंड प्लस में ई माइनस वन आई इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी क्यू आई दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा. चलिए अब आप सारी टर्म्स को कंबाइन कर लीजिए. तो यहाँ से अगर आप सारी टर्म्स को कंबाइन करेंगे देन आई एम गेटिंग आई इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एंड आई एम गेटिंग ए आई प्लस टू आई प्लस टू आई प्लस वन, ठीक है. ये आ जाएगा माइनस में इन दोनों टर्म्स में से ए आई जो है वो कॉमन है, और यहाँ से आ जाएगा माइनस टू आई, ठीक है, माइनस टू आई एंड प्लस में ई माइनस वन, प्लस में ई माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, और क्यू आई दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है. आल्सो इसमें से भी क्यू आई जो है वो कॉमन आ जाएगा. और अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्यू आई जो है इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आने लग रहा है, पर क्यू आई तो आर्बिट्रेरी है, वो तो है जीरो नहीं हो सकता है. अगर क्यू आई जीरो हो जाएगा सो वी से दैट क्यू किससे डिपेंड करने लग रहा है, क्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड करने लग रहा है, सो एक्स ही जीरो हो जाएगा. एक्स जीरो हो गया देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, सो वी से दैट देर इज नो वाइब्रेशनल अफेक्ट टेक्स प्लेस, ठीक है. तो कैसे आप इसको डील करेंगे, सो यहाँ पर लिखेंगे सिंस क्यू आई इज आर्बिट्रेरी, ठीक है, सो इट डज नॉट इक्वल टू जीरो. सो जीरो क्या होगा अपने पास में, ये हो जाएगा ए आई प्लस टू आई प्लस टू आई प्लस वन एंड दिस इज इक्वल टू ए आई एंड आई एम गेटिंग माइनस टू आई प्लस ई माइनस वन, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है. अच्छा एक चीज़ और मैंने यहाँ पर ये देखिए मिस कर दिया, यहाँ पर माइनस टू आई, माइनस टू आई एंड प्लस में ई माइनस वन, ठीक है. तो ये आपने अंदर लिखा है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आना चाहिए ना, यहाँ प्लस आएगा तो फिर यहाँ कितना आएगा, माइनस आएगा. इस माइनस को अगर आप अंदर ले जाएं देन आई एम गेटिंग ए आई एंड टू आई माइनस ई प्लस वन, ये आएगा अपने पास, ठीक है. एंड फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग ए आई प्लस टू डिवाइडेड बाय ए आई एंड दिस इज इक्वल टू टू आई माइनस ई प्लस वन डिवाइडेड बाय आई प्लस टू एंड आई प्लस वन एंड दिस इज कॉल्ड रिकर्शन रिलेशन, रिकर्शन रिलेशन. नाउ दिस इज कॉल्ड रिकर्शन रिलेशन. सो यहाँ से हम जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपने पास जो हर्माइट पॉलीनोमियल आ रहा था इट्स वैल्यू इज आई इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आई क्यू आई दिस इज इक्वल टू ए ज़ीरो ए वन क्यू ए टू क्यू स्क्वायर, ये जो टर्म्स आने लग रही थी इसके अंदर इंक्लूड, इसमें जो कॉफिशेंट्स थे अननोन जो हमारे लिए थे ए नोड ए वन ए टू ये सब आप इस रिकर्शन रिलेशन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज करते हैं आई इज इक्वल टू जीरो अगर हम पुट करें देन आई एम गेटिंग ए टू इन टर्म्स ऑफ ए जीरो, ठीक है. आई इज इक्वल टू टू रखें तो ए फोर ये आपको मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए टू. आई इज इक्वल टू हम रखें फोर देन आई एम गेटिंग ए सिक्स इन टर्म्स ऑफ ए फोर. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर आपको ए नोट पता चल जाएगा तो ए टू पता चल जाएगा, ए टू पता चल जाएगा तो ए फोर, ए फोर पता चल गया तो ए सिक्स एंड सो ऑन. सो यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म ए जीरो एंड देन आई विल फाइंड आउट ऑल द इवन वैल्यूज, ठीक है, ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू एंड सो ऑन.
जो हमारे लिए क्या थी, अननोन थी, ठीक है। और सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप i इज इक्वल टू 1 रखें, ठीक है, यानी कि ओड रखें, तो आपको मिल जाएगा a3 की वैल्यू a1 की टर्म में, i इज इक्वल टू 3 रखें तो a5 मिल जाएगा a3 की टर्म में। दैट मीन्स i इज इक्वल टू 1 के लिए आप जो है यहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे a1, a3, a5 इस तरीके से। सो अगर आपको दो कोफिशियंट्स पता चल गया, कौन कौन से, a0 और a1, तो आपको सारे जितने भी कोफिशियंट्स इससे सीरीज के अंदर आने लग रहे हैं सब आपको पता चल जाएगा यूजिंग दिस रिकर्शन रिलेशन। तो इसका यूज है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि देखिए ये जो सीरीज है ये रन करने लग रहा है i इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक इस रिकर्शन रिलेशन के अंदर, ठीक है। सो क्या आप जो है अगर ये i इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी रन करेगा तो वेव फंक्शन जो आपके पास आएगा, क्या था वेव फंक्शन, वेव फंक्शन आपके पास में था psi इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू एच एन ऑफ क्यू, ठीक है। सो ये एच एन ऑफ क्यू जो है इसकी जो सीरीज है ये 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक रन करने लग रही है, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर इन्फिनिटी हो गया तो psi टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा एंड वी नो दैट अ वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर। तो हमें जो है इसको क्या करना होगा, टर्मिनेट करना होगा सीरीज को फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस आई, ठीक है। पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई के लिए हमें इस सीरीज को टर्मिनेट करना होगा, वहां स्टॉप करना होगा हमें, उसके आगे हम प्रोसीड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम यहां पर अजम्पशन लेकर के चल रहे हैं। आल्सो अगर आप देखिए इन्फिनिटी टर्म्स इसके अंदर लेने लग रहे हैं तो नॉर्मलाइज भी नहीं हो सकता वे फंक्शन। सो वी हैव टू टर्मिनेट दिस सीरीज फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस आई, और वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या है ये हमें बताने लग रहा है, एन वो पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है। एन वो पर्टिकुलर वैल्यू है जिसके लिए आपको इस सीरीज के अंदर जो रिकर्शन रिलेशन आया है इसको टर्मिनेट करना होगा। सिंस द सीरीज सॉल्यूशन गिव अस इनफिनाइट टर्म्स, ठीक है, उनकी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो अननोन कोफिशिएंट्स आने लग रहे हैं ना इनकी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द रिकर्शन रिलेशन इन टर्म्स ऑफ ए नॉट एंड ए वन। सो सिंस द सीरीज सॉल्यूशन गिव्स अस इनफिनाइट टर्म्स, सो वेव फंक्शन साई बिकम्स इनफाइनाइट विच इज फिजिकली unacceptable in quantum mechanics. So we have to terminate the series solution for some particular value of i से n, ठीक है। हैंस ai प्लस 2 इन इक्वेशन नंबर से, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन 3 मस्ट बी 0 फॉर i इज इक्वल टू n, ठीक है, फॉर सम i इज इक्वल टू n, ठीक है। किसी i इज इक्वल टू एन के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप इसे 0 करेंगे देन आई एम गेटिंग ए एन प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0, और अगर ये 0 हो जाएगा तो इधर आकर के 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आपके पास ये टर्म जो है ये 0 हो जाएगी। दैट मीन्स 2n माइनस ई प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, और यू से दैट ई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या थी, हमने माना था इसको बीटा बाय अल्फा, ठीक है, वी लेट इट प्रीवियस, ठीक है, पीछे हमने इसको माना था। अब यहाँ से आपके पास आ जाता है E इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, इसकी मदद से आप एनर्जी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो एनर्जी आइगन वैल्यूज इन द डिस्क्रीट स्टेट्स कोरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है, इस तरीके से आप इनके कोरस्पॉन्डिंगली एनर्जी जो है आइगन वैल्यू क्या होगी वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन अगर आपने फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला आ गया अपने पास साई एन इज इक्वल टू सी, सी यहाँ पर कोई नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ले लेते हैं जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। सो ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू एंड एच एन ऑफ क्यू, ये अपने पास आया था। साई एन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करने लग रहा है, क्यू का फंक्शन है, और क्यू किसका फंक्शन है, ये एक्स का फंक्शन है। सो ये अपने पास में आया था। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं एनर्जी आइगन वैल्यू। सो यहाँ से आ जाएगा
2n प्लस 2। बीटा जो है आपने सपोज किया था जब मैंने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी थी फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उस केस में बीटा को आपने सपोज किया था 2me डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर, ठीक है, और अल्फा स्क्वायर को m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय h कट स्क्वायर। तो अल्फा कितना आ जाएगा, m ओमेगा बाय h कट आ जाएगा। तो आप इसे यहां से ऐसे लिख सकते हैं 2me बाय h कट स्क्वायर मल्टीप्लाइड h कट बाय m ओमेगा, ठीक है। सो यहां से आ जाएगा अपने पास 2e डिवाइडेड बाय h कट एंड ओमेगा, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। सो फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग e, e की वैल्यू हो जाएगी h कट ओमेगा बाय 2 एंड 2n प्लस 1, और यू से दैट एच कट ओमेगा एंड ये आ जाएगा एन प्लस में हाफ, ठीक है। और ऑब्वियसली एन पर डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स एनर्जी मस्ट बी डिस्क्रीट, ठीक है। सो ई एन इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, जहां पर एन रन कर रहा है 0, 1, 2, 3। सो ये अपने पास में आया है एनर्जी आइगन वैल्यू, दिस इज एनर्जी आइगन वैल्यू एंड दिस इज द वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू द वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। अब यहां पर सबसे लोअर एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी, ठीक है, वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, n इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, या पुट कीजिए यहां पर कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 0 पुट करने पर एनर्जी कितनी आ रही है, ई जीरो इज इक्वल टू हाफ एच कट ओमेगा, मिनिमम एनर्जी यही है। सो दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी, इसको क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। इसको जीरो पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं क्योंकि टेम्परेचर 0 केल्विन पर एनर्जी जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर की 0 नहीं होगी, वो कितनी है, मिनिमम एनर्जी हाफ एच कट ओमेगा है, ठीक है। तो कुछ फाइनाइट वैल्यू है, इसे हम कह देते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। नेक्स्ट जो वैल्यूज हैं, एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 सो ऑन, ये इनकी जो वैल्यूज आएंगी एनर्जी की, ये हायर देन आएंगी हाफ एच कट ओमेगा से, ठीक है, जिनको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। एन इज इक्वल टू 1 कोरस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, एन इज इक्वल टू 2 कोरस्पॉन्ड्स टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, इस तरीके से, ठीक है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि यहाँ एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 इस तरीके से आप लेने लग रहे थे, और वन डायमेंशनल बॉक्स में एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 इस तरीके से ले रहे थे, तो एन इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं ले रहे थे यहाँ पर, तो मैंने आपको वहां पर बताया था एन इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो फिर अपने पास में जो वेव फंक्शन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और वेव फंक्शन 0 इनसाइड द बॉक्स आने लग रहा है, पर हम जानते हैं इनसाइड द बॉक्स पार्टिकल प्रेजेंट है, जो कि पॉसिबल नहीं है साइज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि साइज इक्वल टू 0 क्या बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स इट इज 0, विच इज इम्पॉसिबल। तो यहां पर जो है एन इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होने लग रहा था बॉक्स के अंदर, पर यहां हार्मोनिक ऑसिलेटर में एन इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये सी जो है अपने पास में, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। सो चलिए इसको नॉर्मलाइज करते हैं सबसे पहले, तो सो लेट अस फाइंड नाउ द वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट एन भी नाम दे सकते हैं, यहां पर सी मैंने नाम दे दिया है, तो चलिए सी ही फाइंड आउट कर लेते हैं। सो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन थी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई एन स्टार साई एन एंड डी क्यू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि क्यू के टर्म में आप करने लग रहे हैं, सो क्यू आ जाएगा यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू 1। सो आई एम गेटिंग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एन स्टार और साई एन तो सेम ही होगा, क्योंकि ये क्या है, एक रियल वेव फंक्शन है, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2 और ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2 एच एन ऑफ क्यू एंड एच एन ऑफ क्यू, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 डी क्यू। सो यहां से अपने पास में आ जाएगा सी स्क्वायर एंड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर एंड एच एन ऑफ क्यू एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी ऑफ द हर्माइट पॉलिनोमियल। इसमें ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये इंटीग्रल, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आती है ना सॉल्व करने पे, ये आप पढ़ते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर, ठीक है, स्पेशल फंक्शंस जब आप पढ़ते हैं, लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसी तरीके से बेसल फंक्शन हो गया, लेगुरे पॉलिनोमियल हो गया, हर्माइट पॉलिनोमियल हो गया, जब आप ये सब चीज़ें पढ़ते हैं उसके अंदर आप ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन पढ़ते हैं, जनरेटिव फंक्शन हो गया, रोड्रिगेस फार्मूला हो गया, इस तरीके से, ठीक है। सो ये ऑर्थोगोनलिटी जो फॉर्मूला होता है ऑर्थोगोनल कंडीशन वाला, इसका वैल्यू आता है 2 to the power n n factorial under root pi, ये इसका वैल्यू होता है, ठीक है, 2 to the power n n factorial and under root pi।
सो यहाँ से आपके पास में सी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, कितनी आएगी यहाँ से अगर आप देखेंगे, देन आई एम गेटिंग सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, n फैक्टोरियल अंडर रूट पाई, ठीक है, और ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे सो आई एम गेटिंग इसकी पावर हाफ आ जाएगी। सो ये वैल्यू आप यहाँ पर प्लग कीजिए तो आपके पास में नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ जाएगा। तो क्या आएगा अपने पास में, हैंस नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज कितना आ जाएगा साई एन ऑफ क्यू, दिस इज इक्वल टू सी की क्या वैल्यू है 1/2 to the power n एन फैक्टोरियल अंडर रूट पाई, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है हाफ है e टू द पावर माइनस, ठीक है, आप इसको एक्स के टर्म में लिखिएगा। सो कितना आ जाएगा क्यू की वैल्यू क्या थी अंडर रूट अल्फा एक्स थी, सो क्यू स्क्वायर मीन्स अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, सो आ जाएगा e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड एच एन ऑफ अंडर रूट अल्फा एक्स, दिस इज द कंप्लीट वेव फंक्शन फॉर ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है इससे बेस्ड इक्वेशन देखते हैं। तो चलिए इससे बेस्ड इक्वेशन देखते हैं, क्वेश्चन है अपने पास में नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2 एंड एच वन ऑफ क्यू, ठीक है, हर्माइट पॉलिनोमियल में जो सेकंड टर्म आती है सीरीज के अंदर वो है एच वन ऑफ क्यू, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए हर्माइट पॉलिनोमियल में जिसकी भी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है उसका जो फॉर्मूला होता है इट इज एच एन ऑफ क्यू इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर एन एंड ई टू द पावर क्यू स्क्वायर डी एन बाय डी क्यू टू द पावर एन, यानी कि nth टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है क्यू के रेस्पेक्ट में ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर का, ठीक है। सो यहाँ से आप मुझे फाइंड आउट करना है दिस इम्प्लाइज दैट एच वन ऑफ क्यू, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे सो माइनस 1 की पावर 1 विच इज माइनस ई टू द पावर क्यू स्क्वायर एंड n की वैल्यू 1 सो d बाई डी क्यू और e टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर, कितना जाएगा यहाँ से माइनस e टू द पावर क्यू स्क्वायर एंड फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग माइनस 2q एंड e टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस गॉट प्लस, ठीक है, सो 2q ये आ जाएगा अपने पास में, ये तो 1 हो जाएगा e टू द पावर क्यू स्क्वायर e टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर, सो 2q आ जाएगा अपने पास में। नाउ यू विल यूज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई स्क्वायर विच इज ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर एंड एच वन ऑफ क्यू, ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 4q स्क्वायर एंड डी क्यू, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर क्यू की वैल्यू आप रिप्लेस करिए, क्यू रिप्लेस होगा यहाँ पर अंडर रूट अल्फा एक्स से, दिस इंप्लाइज दैट डी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा डी एक्स हो जाएगा एंड क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से अल्फा एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से अगर रिप्लेस करें देन आई एम गेटिंग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर 4 अल्फा एक्स स्क्वायर और डी क्यू ये आ जाएगा अपने पास में अंडर रूट अल्फा डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो अपने पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू क्या होती है, सो इसकी जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड इंटीग्रल की इट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड एक्स स्क्वायर ई टू द पावर समथिंग मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 अंडर रूट ऑफ पाई बाय ए, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, दिस इज स्टैंडर्ड इंटीग्रल, सो यूज इट हियर। आई एम गेटिंग जो जो कांस्टेंट आने लग रहा है वो आप बाहर ले लीजिए, सो 4 अल्फा रूट अल्फा, ठीक है, देन आई एम गेटिंग एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो कितना जाएगा यहाँ से 1/2 अल्फा, ठीक है, 1/2 अल्फा अंडर रूट ऑफ पाई बाय अल्फा ये आ जाएगा अपने पास एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है, 4 अल्फा रूट अल्फा एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग 4 ये आ जाएगा 2 एंड अल्फा अंडर रूट अल्फा, यहाँ से भी अल्फा अंडर रूट अल्फा आएगा, यहाँ से सिर्फ आएगा 2 रूट पाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई में कुछ नहीं किया मैंने, नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है, सी मान लेते हैं, सो यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ से भी आ जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ से भी आ जाएगा सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट जो है आपने यूज़ किया है यहाँ पर, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1/2 रूट पाई और इसे दैट सी इज इक्वल टू 1/2 रूट पाई और इसकी पावर हाफ हो जाएगी, सो दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, हैंस द वेव फंक्शन वैल्यू इज साई इज इक्वल टू 1/2 रूट पाई हाफ एंड ई टू द पावर माइनस में अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाय 2 एंड
एच वन ऑफ क्यू विच इज कितना आया था अपने पास में 2q विच इज अंडर रूट अल्फा एक्स. ठीक है, ये आ जाएगा साई ऑफ x. ठीक है, ये वैल्यू अपने पास में ये वैल्यू. एक चीज और यहां पर जो साई है, ठीक है, वो अपने पास में रियल वेव फंक्शन है. दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन योर एवरेज वैल्यू ऑफ द मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैंने कहा था ये हमेशा जीरो होता है जब भी वेव फंक्शन क्या हो, रियल हो. ठीक है, ये ट्रिक है आपके पास. जैसे मोमेंटम जो है इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पोजिशन इन दिस केस. ठीक है, सो ये आप जो है खुद से फाइंड आउट करिएगा. और कोई स्टेट लीजिए, से इन द ग्राउंड स्टेट आपने फाइंड आउट करनी है, इन द ग्राउंड स्टेट. सो ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में मतलब n इज इक्वल टू जीरो जब आप पुट करेंगे तो आपके पास जो साई की वैल्यू आएगी उसको आप नॉर्मलाइज करिए, या फिर आपके पास मैंने पहले ही नॉर्मलाइज दे रखा है तो n इज इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए उसके अंदर. ठीक है, देन जो आपके पास में वेव फंक्शन मिलेगा साई जीरो, उसे आपने नॉर्मलाइज करने के बाद में एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है पोजिशन की, तो आपके पास में कुछ वैल्यू आएगी, वो मुझे बताना कितनी वैल्यू आती है. ठीक है, सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही. आज हमने पढ़ा स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर दी वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगर यही थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, या फिर हम जो बॉक्स लेने लग रहे थे वन डायमेंशनल और उसकी जगह हम ले लेते हैं थ्री डायमेंशनल बॉक्स लाइक क्यूबिकल बॉक्स. ठीक है, उसके अंदर हम पार्टिकल को ट्रैप करते हैं तो वेव फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यूज हमारे पास में क्या आती हैं. ठीक है, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट लगता है डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट, वो हम सीखेंगे डीजनरेसी कॉन्सेप्ट. ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अपने पास कोई पार्टिकल है, जो मान लीजिए अपने पास पार्टिकल्स हैं स्पिनलेस भी हो सकता है और उनके स्पिन्स भी हो सकते हैं, उन पार्टिकल्स को हम जो है इन लेवल्स के अंदर हम अरेंज करके चलते हैं, तो हमने को फाइंड आउट ये करना होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो उसके ऊपर से बेस्ड जो है आईटीजेम के अंदर क्वेश्चन मोस्टली आता है, तो वो हम करके चलेंगे. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.